हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे स्टिक जो है कंपनी उसकी बहुत ही बेहतरीन जो है कलर पेन सीरीज़ का। तो यहाँ पे आज हमारे पास है स्टिक की हाई फाई HF650 कलर पेन सीरीज़। तो ये एक्चुअल में जो स्केच पेन या तो जिसको वाटर कलर भी बोलते हैं, पोस्टर कलर भी शायद बोलते हैं, अलग अलग कंपनियाँ जो है अलग अलग नाम देती है, बट मैं तो इसको स्केच पेन ही जनरली हम बचपन से इसको बोलते हैं। तो वो जो स्केच पेन्स आती है सेम कंसेप्ट ही है इसके अंदर, बट इसका जो पॉइंट होता है उसको इन लोगों ने पतला कर दिया है, जबकि नॉर्मल स्केच पेन में ये मोटा होता है। तो आप इसको जो है अंडरलाइन करने के लिए, 10वीं 12वीं के कक्षा के बच्चे हैं तो कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट लिख रहे हैं उसमें भी हाईलाइट मतलब हेडलाइंस को लिखने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, या तो फिर जो ड्राइंग आता है बहुत ही बारीक बारीक कलर पूरने होते हैं, कलर करने होते हैं, उसके अंदर भी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 100 रुपये का है और इसके अंदर 10 कलर है। तो यहाँ पे इसके अंदर है केसरी कलर है, लाल है, पिंक है, पर्पल है, ब्लू है, स्काई ब्लू है, पैरोट है, ग्रीन है, और यहाँ पे हमारे पास है कत्थई कलर जो आता है लकड़े का कलर, ब्राउन कलर वो है, और ब्लैक कलर है। चलिए अब इसके पीछे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्टिक की डिटेल दी गई है। ये जो है न्यू दिल्ली में इसकी ऑफिस है, इसकी वेबसाइट है stic.in। अब शायद ये वर्क कर रही है कि नहीं मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी जो है कस्टमर केयर नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी जो है पैकेजिंग की और सब डिटेल्स जो है वो दी गई है। तो अब इसको हम खोल लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि जो स्केच पेन का जो कलर भरने की जो बॉटल्स आती है सेम बॉटल से आप इसको भी रिफिल कर सकते हैं, बट आपको जो है 12 जो है बस या तो 12 इसको लेना पड़ेगा। ओके, 10 कलर है तो 10 अलग अलग जो है इसकी कलर की जो बोतल आती है उसको लेके इसको फिर आप रिफ़िल कर सकते हैं। तो बाकी तो यहाँ पीछे से आपको खोल के उसको रिफ़िल करना होगा, उसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जब इसकी मैं कलर बोटल्स को लाऊँगा तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके की इसकी इसका यह पॉइंट है। अब यहाँ पे रोरिटो कंपनी जो है अभी इसको टक्कर दे रही है, उसकी भी जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की जो है ये पतले पॉइंट वाली पेन आती है, उसके कलर सेट भी आते हैं, तो वो भी काफ़ी जो है पॉपुलर है। उसमें एक एडवांटेज ये है कि उसमें ये वाली जो क्लिप आती है ये मेटल क्लिप आती है कंपेयर टू इसके, और लुक वाइज भी वो थोड़ा सा ज़्यादा सही लगती है। उसका भी मैं एक रिव्यू वीडियो बाद में बनाऊँगा। चलिए अब इसको जो है एक बार हम लिख के टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा स्मूथनेस है या तो फिर क्या है। चलिए अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ ड्रॉ करेंगे और उसको फिर हम फिलअप करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है इस तरीके से आप मल्टी कलर पेंटिंग भी कर सकते हैं, या तो फिर आपने कुछ लिखा है उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने स्टिक लिख दिया है तो ये पेज जो है एकदम स्मूथ पेज नहीं है, थोड़ा सा रफ है, इसलिए एकदम स्मूथ नहीं चल रही है क्योंकि स्केच पेन जैसा इसका काम है, और वैसे भी ये थोड़ी सी पतली है। तो अलग अलग तरीके से लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। सभी कलर्स को हम बारी बारी हमने टेस्ट कर लिया है यहाँ पे, तो ओवरऑल जो है बहुत ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग जो है यही नाम से स्टिक जो है उसके जंबो कलर्स और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो लोग जो है सीधा नाम से ही मांगते हैं, बट फिर भी जो है रोरिटो भी जो है काफ़ी पॉपुलर है और ये रोरिटो जो है उसको टक्कर भी देता है। तो बस यही चीज़ आपको दिखानी थी। आई होप आपको ये जो है वीडियो यूज़फुल हुआ होगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप इसको परचेस करते हैं या तो आपने ऑलरेडी किया है तो आप अपना एक्सपीरियंसेस जो है इसको
यूज़ करने के बाद का एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपने आज तक जो है कौन कौन सी पेन को यूज़ किया है और सबसे बढ़िया पेन आपको कौन सी लगी। उसके अलावा एक और चीज़ बता दें कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको करियर कौन सा चूज़ करना है। आपको जो है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको जो है स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, आपको पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आपको जो है वकील बनना है, क्या करना है लाइफ में आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, ऑल द बेस्ट।